हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह सुबह से ना मुझे ना इसको मतलब मुझे इसको खिलाना है। सभी ना कहीं काम में लगे हैं, तो इसको खिलाने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है और ये बहुत परेशान करता है। हाँ देखो, मम्मी झाड़ू लगा रही है और ये उतर गया। तो गाइस, अभी देखो ये दीदी का ना सर दर्द हो रहा और बिट्टू दबाने वाला था, लेकिन ये दबाने नहीं देता बाबू, इसको खुद ही दबाना है। और ये जो विक्स लगा रहा ना, ये भी इसको दबाने लगाना है खुद को ही। लगा दे, पैक करके दे रहे। अरे पैक कर दे रहे गधे, लगा लिया बुआ ने। अरे पैक अच्छे से कर बस। अरे खाने की चीज नहीं रहा। अरे खाने की नहीं है बेटा, खाने की नहीं है, खाने की थोड़ी ना, खाने की नहीं होती है। अरे उगा सुखा धक्का रो। इधर इधर नहीं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही। इसको बाय बाय भी करते जा रहा, आन न्यान न्यान भी करता है। मारेगा इसको, मारेगा। डंगरा बेटा है वो, डंगरा डंगरा बिठा रहता है वो, डंगरा बिठा है। ये कहाँ जा रहा भाई ऐसे रो रो के? देखो ये कूदने को करता है भाई डायरेक्ट। हाँ गैस, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, जुखाम हो गया है और हल्का सा बुखार भी आ रखा है। मेरी आंखें ना रेड रेड हो जाती है अगर थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब होती है ना। और मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। बाई चांस कभी दवाई ले लेता हूँ, वरना ऐसा रहता है कि अगर मैं दवाई भी लेता हूँ ना, तो मुझे रिएक्शन हो जाता है और फिर और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से मैं ऐसा ही एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाता हूँ। इसको तो देखो, इसको तो देखो, ये छोरी को। और मुंडा में भर ले कर फेंक दो बेटा, गंदा है। जब फेंक दियो तो क्यों निकाली ले तो वापिस? कचरा में फेंकी दियो थे मैंने होकर। तीन 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 मुझे निकाल, उंगली निकाल, उंगली वहां से। अरे क्या हो गया है? क्यों रो रहा है इतना है? क्यों रो रहा है इतना? क्या बना रहे इधर? बाबू को दे रहे और है। देखो गाइस, इतने तेजी से रो रहा है ना, अभी चुप कराता है, अभी चुप कराता। चलो चलो निकल निकल निकल। अरे अरे निकल ले, अरे निकल। रुक जा, अभी चुप रहता है ना, अभी रुक जा बाबू। उठ रुक जा, रुक जा, एक मिनट। कौन सी गाड़ी कहाँ है? अपनी गाड़ी कहाँ है? कौन सी गाड़ी? ये वाली गाड़ी के पास। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो गेट खोलो, चलो गेट खोलो। तो गाइस, मैंने लगभग इसको चुप करा ही दिया। अभी देखो थोड़ी देर में और चुप हो जाएगा बाबू, नल में पानी आएगा। मम 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 मम। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कितना रो रहा था, अभी मैंने इसको चुप करा दिया है। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को चुप कराने के लिए? देख दिया रे, कहाँ है चाबी बाबू? नाच के बताओ, चलो चलो नाच के बताओ। ये क्या हो गया? खा ले, थारा पास जाए रहा। अब देख बहुत सही, बहुत बढ़िया, एक नंबर करता है तू। पूरे घर वालों को ऐसा नचाता है ना ये। इसके साथ खेलो बस, इसको एक ही चीज चाहिए, इसके साथ खेलो। इसको उठा के भी ज्यादा नहीं रख सकते, इसके साथ खेलना है बस, तब ये रहेगा। और सोता बहुत कम है, बहुत कम सोता है। अब इसको खिलाओ, कहीं भी खिलाओ बस इसके साथ, या तो बाइक पर बिठा बिठा के घूमो। आते जाते सबको हाई बोलता है वो। क्या चाय बन रही है दोपहर की? और आज ये उड़द की दाल बनी थी, चुप करा दिया। आप लोगों से तो चुप भी नहीं होता वो। तो गैस, तबीयत थोड़ी और खराब होते जा रही है, बट मैं ना डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मम्मी अभी बोल रहे कि डॉक्टर के पास चले जा, इंजेक्शन वगैरह लगा लेना और दवाई ले लेना, बट मैं नहीं जाऊंगा।
और बाबू सो गया था तो फिर से उठ गया। अभी मम्मी को खिला रहे नींद में उठा ना इस वजह से। फिर गाड़ी चलेंगे, फिर गाड़ी चलेंगे, कहाँ है बाबू चाबी का? घूर निकालेंगे, फिर गाड़ी से चलेंगे, हमें खा ले अभी। वैसे तो गाइस मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रहा था। तुम्हारा चप्पल कहाँ है भाई? बोला हल्का ये मिलेगा। वैसे तो मैं नहीं जाता दवाई वगैरह लेने के लिए भी, बट अभी ना बाबू रो रहा तो उसको बाइक पर थोड़ा बहुत घुमाऊंगा ना तो चुप हो जाएगा वो। पता नहीं अचानक नींद में उठा ना शायद इस वजह से हो सकता है, तो इसी बहाने उधर जाऊंगा तो दवाई भी लेके आ जाऊंगा। सर दर्द हो रहा है, जुकाम भी है, खांसी भी है और हल्का सा बुखार भी है, तो दवाई वगैरह लेके आ जाऊंगा, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाऊंगा। भाई मम्मी को बुलाता हूँ, पूरा सही खोलना पड़ेगा यार। जैसे कि मैंने बाइक निकाल ली और अभी ये बैठेगा ही, तो एक काम करता हूँ इसको बिठा के ले जाता हूँ, दवाई वगैरह लेके आ जाता हूँ। और मैं ये चड्डा पहन रखा है तो मोबाइल रखने की जगह नहीं है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट मार्केट से आ जाऊंगा इसको लेके, है ना? मोबाइल ले लो। सो गाइस देख सकते हो ये बिठा लिया है। सो फाइनली गाइस मैं दवाई वगैरह लेके आ गया। देखो मम्मी खाना खाने के बाद लेके सिग्नल गए। इधर देखो ये सिग्नल चले गए हैं। तो चलो अभी मैं जाता हूँ छत के ऊपर, छतरी सेट कर देता हूँ, सिग्नल ला देता हूँ, वरना सीरियल वगैरह कैसे देखेंगे मम्मी? मम्मी जो सीरियल देखते हैं, मतलब जिस चैनल पर सीरियल वगैरह देखते हैं ना स्टार प्लस, उसी के सिग्नल चले गए हैं, बाकी चैनल वगैरह चल रहे हैं। तो अभी सेट कर देता हूँ मैं ये छतरी, अभी चिल्ला दीजिए तन्नो, देखना बेटा मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ। फाइनली गाइस सिग्नल वगैरह तो मैंने ला दिए, चलने लग गई टीवी, और इधर देखो कितनी हरियाली हो गई है। ये देखो सूरज ढलने वाला है और दीदी बाबू को लेके यहाँ बैठी हुई है। तो गाइस अभी जैसे मैंने इस ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करी है और तबीयत खराब है ना, तो ज़्यादा मैं मोबाइल चला भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मोबाइल चला रहा हो ना तो सर और दर्द कर रहा है। जैसे तैसे करके मैंने ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह सब कर दी है और थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसकी वजह से मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। हाँ बाकी बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। साइड में देखो इंस्टाग्राम का स्क्रीन शॉट आप लोगों को दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ, आप वहाँ चाहो तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और अभी कैसी क्या सिचुएशन चल रही हो तो आप लोगों को पता है, बट कोई ना कोशिश जारी है। एक ना एक दिन अच्छा वक्त तो आएगा। सो बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।